हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द ब्रेन गेम। आज का टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस पूरे चैप्टर के नोट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पे एक मेल भेज दीजिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट द एक्सक्लूसिव नोट्स फॉर द होल चैप्टर। थैंक यू सो मच। बिफोर द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म, हमारा जो यूरोप है वो किंगडम्स में बटी हुई थी, यानी जो हम आज कंट्रीज देखते हैं इटली, जर्मनी, स्पेन, ये सब डिफरेंट किंगडम्स हुआ करती थी, डिफरेंट एम्पायर्स हुआ करती थी। ये कोई स्टेट नहीं थी या कोई कंट्री नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल द हैब्सबर्ग एम्पायर, ये हैब्सबर्ग एम्पायर में बहुत सारे किंगडम्स हुआ करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रिया हंगरी इसी एम्पायर में आया करती हैं। जैसे हंगरी में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एक दूसरी लैंग्वेज बोलती थी और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कोई और ही लैंग्वेज बोलती थी। इससे हमें ये समझ आता है कि डिफरेंट एम्पायर्स में डिफरेंट रीजन्स हुआ करती थी, डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पीपल, जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, उनका माइंडसेट अलग है, तो कोई यूनिटी नाम की चीज़ नहीं थी। बट द ओनली कॉमन एलिजेंस या कॉमन चीज़ जो इनके बीच में है, जो डाइवर्स ग्रुप्स के बीच में है, वो सिर्फ यही था कि उनका एक कॉमन राजा है, एक कॉमन एम्परर है। तो यहाँ वो आइडिया आता है नेशनलिज्म का, दैट इज़ द कॉमन बिलोंगिंगनेस टू अ नेशन, जो कि हमने पार्ट वन में किया। सो नाउ वी विल सी कि किस तरह से आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इवोल्व होता है और डिफरेंट एम्पायर्स एंड किंगडम्स अब मॉडर्न स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। Now we will start with the aristocracy and the new middle class. तो जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान पढ़ा था कि किस तरह से डिफरेंट क्लासेस में बटी हुई थी फ्रांस, जैसे क्लर्जी में, नोबल्स में एंड देन थर्ड एस्टेट में, तो ये डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट क्लासेस हुआ, वैसे ही जो हमने पूरे यूरोप में एक कॉमन क्लासेस का डिवीजन हो रखा था। जैसे नंबर वन है एरिस्टोक्रेट्स, या फिर वो लोग जो कि सबसे हायर क्लास से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज़ कि उनके पास बहुत सारा लैंड है, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, पावरफुल हैं, और इसी वजह से वो डोमिनेंट क्लास है पूरे यूरोप में, पूरे कॉन्टिनेंट में। अब उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो मैरिजेस के वजह से, शादी के वजह से ही आपस में कनेक्ट हुआ करती थी और आगे ये पावरफुल एस्टेसी इस्टेब्लिश करते थे। लेकिन इनका नंबर बहुत ही ज़्यादा छोटा था, दे वर वेरी वेरी स्मॉल इन ग्रुप्स। सो दिस वॉज द फर्स्ट क्लास, द हायर क्लास। नेक्स्ट कॉमन क्लास जो पूरे यूरोप में देखने को मिला, दैट इज़ पेजेंट्स एंड आर्टिसंस। जैसे कि हमने थर्ड स्टेट देखा था फ्रांस में, वेस्ट। सो दिस क्लास वॉज नॉट पावरफुल एज कम्पेयर टू द हायर क्लास, इसीलिए इनको लोअर क्लास भी कहा जाता है। एंड ये लैंडलेस हैं, इनके पास ज़मीन नहीं है, और ये रेंट पे काम करते थे किसके, हायर क्लास के लोगों के लैंड पर। एंड न्यूमेरिकली ये सबसे ज़्यादा थे, 90% ऑफ पॉपुलेशन जो है पेजेंट्स एंड आर्टिसंस की ही हुआ करती थी। अब हम आ जाते हैं एक ऐसे एरा में जहाँ बहुत सारे चेंजेस आए। अब इंग्लैंड के सेकेंड हाफ सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है मतलब कि सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, तो ये हम डिटेल में चैप्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, जिसमें डिफरेंट वर्कर्स आके काम करने लगे थे और डिफरेंट ऑक्यूपेशंस अपनाने लगे थे। सिर्फ पेजेंट्री या सिर्फ फार्मिंग ही नहीं थी, अब लोग फैक्ट्रीज में जाके भी काम करना शुरू कर चुके थे। अब यहाँ से निकलती है एक तीसरी टाइप की सोशल ग्रुप, और इसका नाम पड़ जाता है वर्किंग क्लास पॉपुलेशन या फिर द न्यू मिडिल क्लास। अब जो न्यू मिडिल क्लास है, इसमें वो लोग आते थे जो कि वर्कर्स हैं, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जो कि बिजनेसमैन हैं एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो अब इनके पास पैसा था, अब इनके पास पैसा है तो ये अपने बच्चों को पढ़ाते थे। अब पढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि इनके बच्चों में एक रीजनिंग का पावर आ चुका था। नाउ दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द सिस्टम, कि ये जो सिस्टम है प्रिविलेजेस का, जो हायर क्लास का, जो लैंड ओनिंग सिस्टम है, जो टैक्स पेइंग सिस्टम है, क्या ये सही है। सो दिस लिबरल ग्रुप स्टार्टेड एंड डिमांडेड नेशनल यूनिटी, और इन्होंने नेशनलिज्म का जो आइडिया है इसे अपनाया। एंड दे स्टार्टेड अपोजिंग द प्रिविलेजेस ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, और यहाँ से शुरू हो जाती है एक न्यू जर्नी, द जर्नी ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। तो इसे हम कवर करेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्रेन गेम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।